हेलो गाइस, अचल फ्रॉम क्रिस कमेंट द हेयर, और स्वागत है मेरे एक और बवाली वाले वीडियो में। ये वीडियो बहुत बवाली होने वाला है क्योंकि जहाँ पे मैं अभी आया हूँ लखनऊ में, यहाँ पे एक ऐसी चीज़ होने वाली है जो इंडिया में केवल सातवीं बार हो रही है। एंड बहुत टाइम से मैं ये देखने की कोशिश कर रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली मतलब मुझे पता नहीं होता था जब हो रहा होता था, या फिर बहुत ही रेयर है उस वजह से मैं उस जगह पर नहीं होता था। इस बारे में मुझे कल पता चला, और जैसे ही मुझे पता चला कानपुर से गाड़ी उठाई, यहाँ पर आ गए। तो ये होने वाला है पहला लखनऊ का ड्रोन शो, जिसमें 500 ड्रोन होंगे। एंड ड्रोन लाइट शो बोलते हैं इसे। अलग अलग ड्रोन्स होते हैं, मतलब 500 ड्रोन्स रहेंगे, एक ही तरह के होते हैं, अलग अलग नहीं रहते हैं। वो आसमान में उड़ते हैं, उनकी लाइट से मतलब पूरे आसमान में आर्ट बनती है, मतलब अलग अलग स्ट्रक्चर शेप्स बनते हैं, एंड बहुत प्यारा लुक होता है। मैं ज़्यादा इसके बारे में बताऊँगा नहीं, क्योंकि दिखाया जाने वाला एक्सपीरियंस और फील करने वाला एक्सपीरियंस है। तो आप एक बार देख लो हम लोग कहाँ पे हैं, एंड फिर सीधे वहीं पर मिलते हैं। तो वहाँ पे अपने ड्रोन सेटअप हो रहे हैं, मतलब अपने नहीं है, काश अपने होते। वहाँ पे अपना ड्रोन वाला बंदा है उड़नचू, वो सेटअप कर रहा है अपना कैमरे से। इधर की साइड पूरे मतलब ये जो अपना आर्कियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर ड्रोन उड़ेंगे, पूरा शेप बनाएंगे। तो चलते हैं उधर ही, क्योंकि अभी शुरू होने वाला है 10 मिनट में। अभी ड्रोन सेटअप हो रहे हैं, 500 ड्रोन्स यूज, मतलब क्लेम किया जाता है यूपी टूरिज़्म की वेबसाइट पर था कि ये इंडिया का लार्जेस्ट ड्रोन शो है। इलाहाबाद में मैं था कुंभ के टाइम पे, उसके एक दिन पहले ड्रोन शो हुआ था, एक दिन बाद हुआ था एक्चुअली, तो उसमें 250 ड्रोन थे, वो मिस हो गया था। ये उससे भी बवाली होने वाला है। तो अभी केवल 5-6 ड्रोन उड़े थे यहाँ पे, 5-6 नहीं कितने थे, 10 चेकिंग, 10 ड्रोन उड़े थे चेकिंग के लिए, और उसी में लाइट्स का काफ़ी अच्छा सीन हो रखा था। अभी 500 होने हैं, तो 10 वाला फुटेज आप देख लो। एंड खास बात ये है, केवल ड्रोन लाइट शो नहीं है, यहाँ पे लाइट शो भी है एंड कल्चरल इवेंट भी है। तो अगर आप इधर देखोगे, इधर दिखा दो, तो स्टोरी एक चलेगी जो ड्रोन से डिपेक्ट होगा, एंड उससे रिलेवेंट फुटेज यहाँ पे चले गए। अभी ट्रेलर देखा था, काफ़ी सही था, पूरे का इंतजार है। क्या बोलते हो, देखते क्या आएगा, देखते क्या आएगा, देखते क्या आएगा, मज़ा तो आएगा भाई, कानपुर से भाग के आए। 500 ड्रोन भाई बहुत है, 500 ड्रोन तो एक यहाँ एक उड़ाने में हालत खराब है। जन्म सिद्ध अधिकार है, सैकड़ों वर्षों तक गुलामी की जंजीरों में बंधे होने और गोरी अंग्रेजी सरकार के जुल्म और दबाव की असीम व्यथा सहते सहते जब बात अपनी चरम सीमा पार कर गई, तो भारत माता के वीर सपूतों के सब्र का बांध टूट गया, और मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, बेगम हजरत महल, तांत्या टोपे जैसे अनेकों माँ के लालों ने आजादी की ऐसी ज्वाला प्रज्वलित की जो चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां आदि के क्रांतिकारी कदमों से अंततः 15 अगस्त 1947 में भारत को आजादी का सुनहरा वरदान दे गई। उत्तर प्रदेश की इस पावन धरती पर जन्मे मंगल पांडे ने राष्ट्र प्रेम और दिलेरी का परिचय देते हुए बंगाल के बैरकपुर में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विद्रोह का बिगुल बजाया। क्रांति की इस चिंगारी ने धीरे धीरे शोला बन सारे देश को अपने लपेटे में ले लिया। उत्तर प्रदेश की मेरठ छावनी के विक्टोरिया पार्क में 9 मई 1857 को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का आगाज हुआ। 72 भारतीय सैनिकों ने जब मेरठ से दिल्ली के लाल किले की ओर कूच किया, तो इस आंदोलन की आग समूचे देश में भड़क उठी। मजदूर, किसान और आम आदमी के दिलों में भी आजादी की ना बुझने वाली एक लौ प्रज्वलित हो गई। एक छोटी सी चिंगारी अब आग की तरह मेरठ से बिठूर, लखनऊ, गोरखपुर, अयोध्या, बरेली और झांसी से होते हुए देश के अधिकांश हिस्सों में फैलने लगी। लक्ष्मीबाई ने कहा,
मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। और वो अपने इस कथन पर आखिरी सांस तक अडिग रही। उनके अदम्य शौर्य की गाथा आज भारत के जन जन की वाणी बन गई है। वीरांगना लक्ष्मीबाई औरत होते हुए मर्दानी बनकर रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों की सेना और सेनापतियों पर टूट पड़ा करती थी। उन्होंने अपनी बहादुरी से ग्वालियर के किले पर कब्जा कर अंग्रेजों को आश्चर्यचकित कर दिया था। झांसी की रानी ने अंग्रेजों को जीते जी झांसी के किले पर कब्जा नहीं करने दिया। चारों ओर से घिर जाने के बावजूद उन्होंने वीरता धीरता और गंभीरता से लड़ते हुए मातृभूमि की रक्षा करते करते 17 जून 1858 को अपना बलिदान दे दिया। को हासिल न कर पाई पर इसने व्यापक रूप से हर भारतीय के दिल में कभी न बुझने वाली आजादी की एक लौ जला दी। इसके पश्चात महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्वदेशी मांग के रूप में आजादी की एक संगठित सुनियोजित व निर्णायक लड़ाई शुरू हुई। गोरखपुर के चौरी चौरा कस्बे में आजादी की आवाज को शांत करने के लिए अंग्रेजी हुकूमत ने मार्शल लॉ लगा दिया। भारत के वीर सपूत फिर भी डटे रहे और शांति प्रदर्शन करते रहे। 4 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन के दौरान आंदोलनकारियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई और गोरी सरकार ने निहत्थे लोगों पर गोली चला दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी और 3 नागरिक मारे गए। इसे सुन देशवासियों का खून खौल उठा और उन्होंने अंग्रेजी संस्थानों को आजादी की ज्वाला में भस्म कर दिया। के पहले स्वतंत्रता संग्राम में जो आजादी की ज्योत जली थी वो जन आक्रोश की ज्वाला बनकर चौरी चौरा में उभरी। देश प्रेम में रसित क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिरी, चंद्रशेखर आजाद और अशफाकुल्ला आदि ने अंग्रेजों को सबक सिखाने के लिए और देश को आजाद कराने के अपने इरादे को अंजाम देने के लिए काकोरी में ट्रेन रोक दी और भारतवासियों का जो पैसा अंग्रेज विलायत ले जाने वाले थे उसे वापस लेकर उनके मंसूबे को नेस्तनाबूद कर दिया। दूसरे विश्व युद्ध में जब सारा संसार जंग के अंगारों में जल रहा था और लोगों में खौफ और खलबली थी, ऐसे समय में भारत माता के सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देश को गुलामी के शिकंजे से मुक्त कराने के लिए अपने बल पर इंडियन नेशनल आर्मी आजाद हिंद फौज का गठन किया। पराधीन देश की जनता में स्वराज के संघर्ष को नई चेतना मिली। नेताजी ने आजाद हिंद फौज में 40,000 कर्मठ योद्धाओं को भर्ती कर लिया। इस तरह पूरे देश में आजादी के प्रति नई ऊर्जा और ज्वाला उत्पन्न हुई। देश में नया जोश था। नेताजी ने अंडमान निकोबार के कुछ द्वीपों को आजाद करवाकर आजाद हिंद सरकार बनाई और वो पहली सरकार के प्रधानमंत्री बने। देशवासियों का त्याग और बलिदान अंततः रंग लाया।
अंग्रेज देश छोड़ने को विवश हुए और यूनियन जैक की जगह हमारा तिरंगा भारत माता के मस्तक पर लहराया। हम धन्य हैं कि अपने देश की आजादी के अमृत महोत्सव में, स्वराज के इस 75वें वर्ष में, हम काल चक्र के एक ऐसे मुकाम पर हैं जहां भारत दुनिया के सर्वोच्च देशों में गिना जाता है। हम सौभाग्यशाली हैं कि भारत माता के सच्चे और नेक सपूत माननीय नरेंद्र मोदी जी की दूरदृष्टि और दिशा निर्देशन में भारतवर्ष एक नई आजादी का अनुभव कर रहा है। हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि उत्तर प्रदेश की इस पावन धरती के लाभ कर्मयोगी यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के योग्य दिशा निर्देश पर उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर तेजी से अग्रसर है और हम एक नई वास्तविक आजादी का अनुभव कर उल्लास से सराबोर हैं। आइए हम सब मिलकर आजादी के इस अमृत महोत्सव का आनंद लें और खुशियां बांटें। स्वस्ति प्रभ्यः परिप्लायन्तं न्यायेन मार्गेण महिम महिषाहि गो ब्रह्मनेभ्यः सभामस्तु नित्यं लोक समस्तः सुखिनो भवन्तु। जो टेक ऑफ किए थे वहीं से एकदम अलग चीज लग रही थी एंड में ये वाले पटाखे थे मतलब इसमें अनार अनार कुछ लगा हां लास्ट वाले जो नीचे लटक रहे थे दैट वाज काइंड ऑफ क्रैकर गूज़बम्स वाला भाई गूज़बम्स वाला मोमेंट था। कैसा मोमेंट था? बढ़िया था। लाओ तुम बताओ। बहुत मजा आया यार। बहुत मतलब जैसा एक्सपेक्ट किया था सोचा था इमेजिनेशन नहीं थी कैसा होगा। मजा आ गया यार। बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था। गूज़बम्स बाल उड़ गए यार सारे। भाई साहब कैसे बोलते हो अच्छा। हां कैसा लगा? पहली बार देखा था। हाँ पहली बार है। पहली बार देखा था। हाँ और सबसे अनएक्सपेक्टेड था। इतना अच्छा दिखेगा वो क्रैकर व्रैकर उसमें सब वाला तो एकदम ही अनएक्सपेक्टेड और मुश्किल से पकड़ो जरा बताएं। हाँ बताओ बताओ। मुश्किल से 5 मिनट का ड्रोन शो था जिसके लिए हम लोग लखनऊ से मतलब कानपुर से लखनऊ आए थे बट एक एक मोमेंट वर्थ था। सबसे जब वो टेक ऑफ वाला मोमेंट था ना जो टेक ऑफ वाला उसी में एकदम अलग सीन लग गए थे। जुगनू टाइप वाली फीलिंग जुगनू वाली फीलिंग आ रही थी। इतने बड़े एरिया में वो हो रहा था। चलते हुए इसको कार में डिस्कस करते हैं। चलो 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 चलो। तो इसमें भी देख ही लिया होगा। वैसे 10 मिनट का था। बढ़िया था मज़ा आ गया यार। मज़ा आ गया। तो भाई साहब जो यहाँ से हम लोग भाग के गए थे एकदम से पता चला था और एकदम से सुबह भाग के गए और अभी वापस आ गए। रात के कितने 12-12 बज रहे होंगे? 11 बज रहे हैं। बहुत ठंडे यार। बहुत ठंडे बट इतने थर्ड में जाना एक एक मूवमेंट बढ़ते तक वो लिटरली इतने टाइम से बहुत प्यारा मूवमेंट था यार। वो मजा आ गया। देखने का मन था और क्यों देखने का मन था वो रियलाइज हो गया आज। बहुत सबसे सही तो यार जो ड्रोन उड़े थे ना मतलब जो स्टार्टिंग ही स्टार्टिंग हां दैट वो जुगनू बहुत अच्छा था यार। मजा आया। एंड एक तो इतने बड़े स्केल पे होता है कि 500 ड्रोन होते हैं तो इतनी बड़ा वो स्ट्रक्चर बनता है। यस
लाइफ में कभी ना कभी ये एक्सपीरियंस जरूर करना। तो बस मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही। ऐसे बवाली चीजें देखनी है, कुछ नई चीजें देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो कि वहाँ थे अगर लखनऊ में तो मिले क्यों नहीं ऐसा। अगर नहीं थे तो क्यों नहीं थे यार, होना चाहिए था यार। अगर इसके बारे में अपडेट चाहिए तो यूपी टूरिज्म के पेज से हम भी पहुंचे थे भाग के। आप यूपी टूरिज्म का पेज फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, उस पर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी बिल्कुल। एंड बस बढ़िया है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय।